दुनिया के कुछ मुश्किल कामों में से एक है लोगों को हंसाना। यस टू मेक पीपल लाफ। आप बोल सकते हो भाई ये बहुत आसान है, बट ना बाबा ना, ये बहुत मुश्किल है। कुछ गिने चुने लोग ही ये कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कप्पू भाई, यूट्यूब में ले लिया जाए तो आशीष भाई, बाम भाई एंड एक्सेट्रा बहुत लोग हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, ये सब बात करते हुए लोगों को हंसाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं भाई आप बिना बात करे किसी को हंसा सकते हैं, ये सुनने के लिए आसान है, करने के लिए उतना ही मुश्किल। हाँ ट्राई करके देख लो। अरे मत करो यार, मैं कर चुका हूँ, ट्रस्ट मी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। बट दिस हाईली इम्पॉसिबल कारनामा एक बंदा कर रहा है, पहले भी करते थे, एग्जाम्पल मिस्टर बीन। लेकिन आजकल के ज़माने में ना, मुंह से उच्च शब्द नहीं निकलेंगे तो वीडियो नहीं चलेगी, इट्स द फैक्ट एंड ही प्रूव्ड इट रॉन्ग। नाम है खाबी, नाम तो नहीं सुना होगा, कारनामे देखे होंगे। वन इज ऑन योर स्क्रीन। इन्होंने लोगों से ढेर सारा प्यार पाया है बस हंसाते हुए, और वो भी बिना बात करे। आज इनके इंस्टाग्राम पर नियरली 78 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार्स के भी आज इतने फॉलोअर्स नहीं हैं जितने इनके हैं। और जैसे हर सफल कहानी रहती है कहानी संघर्षों की, इनका कहानी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तो आइए दोस्तों जानते हैं खाबी के वेटर से फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिएटर तक का सफर को। तो हेलो दोस्तों, दिस इज लक्ष्मण, यूर वन एंड ओनली 360 एंड यू आर इन द वीडियो अबाउट खाबी लॉन्च। दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिएटर, सेकंड मोस्ट फॉलोअर्स ऑफ ऑल टाइम। इनका पूरा नाम है कबानी लामे, बट ब्रो इनका पूरा नाम लेने से तो वीडियो का आधा हिस्सा इनके नाम से ही भर जाएगा, सो लेट्स सिंपली कॉल हिम खाबी। खाबी का जन्म साल 2009 मार्च को सेनेगाल नामक एक कंट्री में हुआ। सेनेगाल जिसे आपको पता नहीं है, वैसे ही मुझे भी पता नहीं था, वेस्टर्न अफ्रीका में सेनेगाल एक कंट्री है जहाँ इन भाई साहब का जन्म हुआ। फॉर ए गुड लाइवलीहुड खाबी और उनके माता पिता 20 साल पहले इटली चले गए। बड़े होने के बाद भी इनका लाइफ उतना कुछ खास नहीं था, पैसों की कमी के कारण वह एक रेस्टोरेंट में वेटर और एक सीएनसी फैक्ट्री में वर्कर की तरह काम करते थे जैसे तैसे, लेकिन लाइफ चल रहा था। बट इन मार्च 2020 कोविड केम इन, जब लाखों लोगों ने अपनी नौकरी खोई। इन लाखों लोगों में ही खाबी भाई भी शामिल थे। इन मुश्किल हालात में भाई ने दूसरी नौकरी ढूंढने के बगैर टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करना शुरू किया। याद रखिएगा उनके पास तब पैसे भी नहीं हुआ करते थे। खाबी का एक ही मोटिव था, लोगों को हंसाना बस। मार्च 2020 से ही खाबी ने प्यारे प्यारे छोटे वीडियोस को टिकटॉक के ऊपर अपलोड करना शुरू किया। एट दैट टाइम पीपल वेर क्रेजी अबाउट टिकटॉक, वो समय टिकटॉक का समय था, मतलब आज भी है, लेकिन इंडिया में टिकटॉक बैन है अनफॉर्चुनेटली। इन द बिगिनिंग जब खाबी भाई वीडियोस अपलोड करते थे तब उनके 2 से 3 व्यूज आते थे मैक्सिमम, और वो भी उनके फादर और एक दोस्त देखता था। एक महीने के बाद उनको सिर्फ 9 व्यूज और 2 फॉलोअर्स मिले थे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं किया, बस वीडियोस बनाते गए, और इसके रिजल्ट्स तो अभी हम लोगों के सामने ही है। उनके वीडियोस स्वीट थे, शॉर्ट थे, सिंपल थे, और मेनली उनके वीडियोस में गंदे या नॉर्मल शब्द भी नहीं थे, बोले तो बिल्कुल शब्द ही नहीं थे, जिसके वजह से कोई भी एज ग्रुप, यंग, ग्रोन, ओल्ड और कोई भी कंट्री के लोगों को इनके वीडियोस को देखने में मजा आता था। एंड द वे ऑफ मेकिंग वीडियोस वाज क्वाइट यूनिक, जिसके कारण लोगों को कुछ नया देखने के लिए मिला। और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था, आप इस वीडियो में खाबी भाई के आवाज को भी सुनने वाले हैं पहली बार, सो हियर इट इज। हाय, माय नेम इज खाबी, आई लव यू एंड आई लव यू टू मेक पीपल स्माइल। तो यही है दोस्तों खाबी का वेटर से फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिएटर तक का सफर, और उम्मीद करता हूँ आपने कुछ इस वीडियो से नया सीखा हो। तो यही है दोस्तों आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके 360 परिवार में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो तक अलविदा।